गाइज आज मैं जिन कैनन कैमरास का कंपैरिजन करने वाला हूँ, ये कैमरास क्रोप सेंसर में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है 1 लाख के आसपास के बजट में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कैनन के 80D एंड 90D के बारे में। ये दोनों कैमरास बहुत ही कमाल के DSLRs हैं और मैंने इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। ये DSLRs फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं गाइज। पर अब सवाल गाइज ये आता है कि क्या हमें 90D लेना चाहिए या फिर 80D लेना चाहिए, क्योंकि दोनों कैमरास में प्राइस का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन को दबाकर। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात। वॉच, लर्न, एंजॉय। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो दोनों कैमरा का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, बट हमें 90D में कैमरा ग्रिप थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जिससे कैमरा पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। 80D एंड 90D दोनों की गाइस कैमरा बॉडी स्ट्रॉन्ग है, बट 90D की बॉडी ज़्यादा डस्ट एंड वेदर प्रूफ हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो 90D का बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 80D से। हमें 80D के कंपैरिजन में 250 से 300 एक्स्ट्रा शॉट शूट करने को मिल जाते हैं 90D में। इसके अलावा गाइस मल्टी कंट्रोलर जॉयस्टिक दी गई है कैनन 90D में, जो हमें 5D Mark IV जैसे कैमरास में देखने को मिलती थी। गाइस जॉयस्टिक काफ़ी ज़्यादा काम आती है, स्पेशली जब हम व्यू फाइंडर से शूट करते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमने फोकस पॉइंट सिलेक्ट करने हो तो जॉयस्टिक की मदद से हम काफ़ी जल्दी फोकस पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कैमरा मेन्यू ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक से। इन डिफरेंस के अलावा गाइस बाकी ऑलमोस्ट सेम कैमरा डिज़ाइन है 80D एंड 90D का। अब बात करते हैं गाइस इन दोनों में मेन स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स में क्या फ़र्क है। तो कैनन 90D में हमें डिजिक 8 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है कैनन के 80D डिजिक 6 प्रोसेसर से। यानी कि जो इमेज प्रोसेसिंग स्पीड है 90D की, वो काफ़ी फास्ट है 80D से, जिससे जाहिर सी बात है कि इमेज परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है 90D की। कैनन 90D में गाइस 32.5 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर लगाया गया है, और अगर हम 80D की बात करें तो उसमें 24 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर दिया गया है। तो इमेज सेंसर में भी काफी बदलाव किए गए हैं 90D में, जो ओवरऑल कैमरा रिजल्ट्स को एनहेंस करता है। अब देखते हैं गाइस इन दोनों कैमरास में से कौन सा कैमरा फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। तो कैनन 80D एंड 90D दोनों में 45 क्रॉस टाइप ऑटोफोकस पॉइंट्स दिए गए हैं अगर हम व्यू फाइंडर से शूट करें तो। यानी कि 80D एंड 90D दोनों कैमरास में फोकस पॉइंट्स में कोई भी बदलाव नहीं है। बट अगर हम लाइव व्यू यानी LCD स्क्रीन पर देखकर शूट करने की बात करें तो उस चीज़ में कैनन 90D आगे निकल जाता है, क्योंकि कैनन 90D में 5400 फोकस पॉइंट्स दिए गए हैं लाइव व्यू शूट करने पर, जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी सब्जेक्ट को फोकस कर लेते हैं। फ्रेम्स पर सेकंड की बात करें तो गाइस 10 फ्रेम पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड हमें 90D कैमरा में देखने को मिल जाती है, और अगर हम 80D की बात करें तो उसमें हम मैक्सिमम 7 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर शूट कर सकते हैं। अब गाइस ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है फोटोग्राफी के ऊपर, क्योंकि 90D में हमें ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड स्पीड मिलने की वजह से हम 1 सेकंड में ज़्यादा मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेडिंग शूट करते हैं तो आपको ज़्यादा पिक्चर ऑप्शन मिल जाते हैं कैनन 90D में 10 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर शूट करने पर। इसके अलावा गाइस ISO पावर भी 90D की ज़्यादा है, हम 100 से लेकर 25600 तक बूस्ट कर सकते हैं। और यही अगर हम 80D की बात करें तो उसमें 100 से लेके 12800 तक हम मैक्सिमम ISO पावर बूस्ट कर सकते हैं। तो लो लाइट कंडीशन में शूट करने की बात करें तो कैनन 90D काफ़ी ज़्यादा सक्षम है कम लाइट वाली जगह पर शूट करने में, क्योंकि हमें कैनन 90D में ज़्यादा ISO बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। कई बार गाइज ऐसा होता है कि जब वेडिंग फोटोग्राफर्स या सिनेमाटोग्राफर्स शूट कर रहे होते हैं तो शूट करते वक्त स्पीड लाइट या LED लाइट ख़राब हो जाती है, तो ऐसी इमरजेंसी में गाइज आप कैनन 90D से एम्बियंस लाइट में भी शूट कर सकते हैं ISO पावर को बूस्ट करके। ज़्यादा ISO बूस्ट करने पर नो डाउट गाइज ग्रेन्स तो आएंगे ही, बट आपका कोई मोमेंट मिस नहीं होने देगा कैनन 90D कैमरा उस एमरजेंसी में। अब बात करते हैं गाइज वीडियो शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 80D में हमें मैक्सिमम 60 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर
फुल HD वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है, और अगर हम 90D की बात करें तो हम 90D में 4K रेजोल्यूशन में 30 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर शूट कर सकते हैं। और ये ही नहीं गाइज, हम 90D में फुल HD वीडियो 60 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर तो शूट कर ही सकते हैं। इसके अलावा 120 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर फुल HD वीडियो भी शूट की जा सकती है कैनन 90D में, यानी कि आप स्लो मोशन वीडियोस भी बना पाएंगे इस कैमरा से। बट उसमें गाइस कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि 120 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर शूट करने पर वीडियो क्रॉप होगी, साउंड रिकॉर्ड भी नहीं करेगा कैमरा, और इसके अलावा ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम भी काम नहीं करेगा। बट इन शर्तों के अलावा 120 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड कैमरे में देना अपने आप में एक बड़ी बात है। फोकसिंग की बात करें तो गाइस कैनन 90D में फेस डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है, जिससे काफी ज्यादा आसानी हो जाती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने में। इन फीचर्स के अलावा गाइज ऑलमोस्ट बाकी सभी चीजें सेम है दोनों कैमराज में, जैसे कि ऑडियो मॉनिटरिंग जैक, हेडफोन जैक, फोल्डेबल LCD टच स्क्रीन जो सबसे ज्यादा काम आती है व्लॉगिंग वीडियोस बनाने में, एंड ओवरऑल डिजाइन। बट अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है। तो गाइज अगर मैं प्राइस की बात करूं तो कैनन 90D विद 18-135mm लेंस हमें 1,28,000 का मिलता है, एंड 80D विद 18-135mm लेंस हमें 1,06,000 रुपीस का मिलता है। तो दोनों कैमराज में लगभग 22,000 रुपीस का फर्क है। तो गाइस इन दोनों में से कौन सा कैमरा लेना है, वैसे तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो आप कैमरा से चाहते हैं 80D से पूरी होती है तो आप 80D लेके अपने 22,000 रुपीस सेव कर सकते हैं, या फिर आप 80D के साथ एडिशनल लेंसेज भी परचेज कर सकते हैं। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो गाइज 80D से काफी ज्यादा बेटर है 90D फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों में। 22,000 रुपीस एक्स्ट्रा देने पर जो हमें 90D में फीचर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 90D कैमरा लेने के बाद आपको एटलीस्ट 2-3 साल कैमरा चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट 80D ऑलरेडी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और नेक्स्ट 2-3 साल तक 80D की स्पेसिफिकेशंस और भी ज्यादा आउटडेटेड हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली 90D परचेज करें, मेरी रिकमेंडेशन 90D के लिए रहेगी। तो आई होप गाइज आपको दोनों कैमराज में फर्क पता लग गया होगा। इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और वीडियो अच्छे लगे तो गाइज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।